बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर डॉट कॉम की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर लेसन 3 वर्ब के बारे में है। वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक्शन डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, वर्ब क्या है। वर्ब एस अ वर्ड या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो कि किसी एक्शन, सिचुएशन या कंडीशन को जाहिर करता है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी कंडीशन हो, इसको जो जाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है। वर्ब जुमले का एक पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से सब्जेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। इंग्लिश सेंटेंस का दिल कहलाती है वर्ब। जिस तरह से दिल के बगैर बॉडी डेड है, इसी तरह से वर्ब के बगैर सेंटेंस डेड है। हम लोग पढ़ते आए हैं, एक जो सेंटेंस होता है उसके बेसिक तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकता है बट वर्ब के बगैर नहीं। हमारे पास ये वर्ब्स हैं, डायनामिक या एक्शन वर्ब, दूसरी है स्टेटिव वर्ब। इसमें सिंपल देख लो, रन, स्लीप, प्ले, ईट वगैरह। और जो स्टेटिव वर्ब में इसमें बी, हैव, थिंक, लाइक, ओन, मजीद इसकी डिटेल आगे चल के फर्दर हम देखते हैं। एक्शन या डायनामिक वर्ब्स जो होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज या प्रोसेस पे जोर देते हैं, यानी जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, लाइक सब्जेक्ट की जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उसको जाहिर करता है डायनामिक या एक्शन वर्ब। इसकी एग्जाम्पल रन, स्लीप, प्ले, वॉक, ईट, जंप, सिट, ग्रो, ये सारी हमारी डायनामिक या एक्शन वर्ब्स है। इनको हम तमाम टेंसेस में यूज कर सकते हैं, लाइक प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस, हर जगह ये एक्शन या डायनामिक फिट आ जाती है। जिस तरह से आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर चीज में फिट आ जाता है, तो समझो कि ये पोटैटो है, जो डायनामिक वर्ब है वो हर जगह फिट है, हर टेंस में फिट है। क्या एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आई कुड से, आई वर्क, आई वर्क्ड, आई एम वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, आई हैव वर्क्ड, आई हैव बीन वर्किंग, एटसेट्रा। जितने भी टेंसेज हैं सब में डायनामिक या एक्शन वर्ब फिट है, सब में यूज होता है। जबकि इसके बरक्स जो स्टेट वर्ब है वो यूजुअली जाहिर करती है किसको, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट्स या सिचुएशंस वगैरह। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, बी, हैव, थिंक, लाइक, ओन, ये सब हमारे स्टेट वर्ब्स हैं। वी हैव अ गुड फैमिली, एग्जांपल हमारे पास है, वी हैव अ गुड फैमिली। यहाँ पे हम स्टेट वर्ब हैव यूज कर रहे हैं जो कि सिचुएशन, रिलेशनशिप की सिचुएशन के बारे में बता रही है कि फैमिली जो है वो गुड फैमिली है और उसकी उसकी एक रिलेशनशिप सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है, यानी हैव जो है ये सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है।
यहाँ पे हम लोग किसी फिजिकल एक्शन या एक्टिविटीज में के बारे में बात नहीं कर रहे, ये जस्ट एक रिलेशनशिप या सिचुएशन को जाहिर किया जा रहा है। स्टेट वर्ब का जो रूल है वो ये है कि ये वर्ब इसमें आईएनजी यूज नहीं होता, ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में स्टेट वर्ब यूज नहीं होती। यहाँ पे चंद एग्जांपल्स आप देख लें, पॉल फील्स रोटन टुडे, ही हैज अ बैड कोल्ड। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, ही इज अ फेमस रॉक स्टार। आवर क्लाइंट अप्रिशिएट ऑल द वर्क वी डिड फॉर हिम। यहाँ पे कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं आ रही, एक यहाँ फीलिंग्स जाहिर हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशनशिप आ रही है, यानी उसको क्या है, कोल्ड हो रहा है बंदे को, एक बिलोंगिंग आ रही है, मतलब उसका इसके साथ एक ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अच्छा, पहचान, रिकॉग्नाइज हिम, किसी की पहचान बता, जो इसको जानते हो वो करते हो, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ही इज अ फेमस रॉक स्टार, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। आवर क्लाइंट अप्रिशिएटेड ऑल द वर्क वी डिड फॉर हिम, अप्रिशिएटेड अप्रिसिएशन तारीफ, यहां भी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, जो कि स्टेटिव वर्ब क्या करती है, ओनरशिप को जाहिर करती है। स्टेटिव वर्ब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को जाहिर करती है। स्टेटिव वर्ब मिल्कियत को जाहिर करती है, रिलेशनशिप को जाहिर करती है, इमोशंस का वो करती है, सेंसेस, मेजरमेंट एट्सेट्रा, बट इसमें फिजिकल एक्शन नहीं होता है। मेन चीज जो है इसकी क्या है, ये फिजिकल, इसमें फिजिकल एक्टिविटी जाहिर नहीं होती है। बाकी कंटिन्यूअस टेंसेज में ये यूज नहीं होती है, एंड अदर टेंसेज में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। मजीद हम वर्ब के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में फर्दर पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फायदा पहुंचा दीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें टाइम टू टाइम। नई वीडियो तक के लिए टेक केयर।